दक्षिण भारत के तमाम शहरों में एक सुंदर सा शहर बेंगलुरु, लाखों लोगों के सपनों को साकार करने वाला सुंदर शहर बेंगलुरु। इस बेंगलुरु में जहां एक तरफ ऐसी हस्तियां रहती हैं जो मशहूर हैं, वहीं दूसरी तरफ कुख्यात भी रहते हैं जिनमें गैंगस्टर्स का अपना ही खौफ है। बेंगलुरु मतलब माँ, बेंगलुरु मतलब बाप, बेंगलुरु मतलब प्यार, बेंगलुरु मतलब गुंडागर्दी, बेंगलुरु मतलब राजनीति, बेंगलुरु का मतलब गर्म खून। बेंगलुरु के अंडरवर्ल्ड की किताब के सबसे पहले पेज पर लिखा है नाम मस्त मियां और उसके साथियों का, जो अपने आतंक से शहर में हर तरीके के क्राइम को अंजाम दे रहे थे। लेकिन बेंगलुरु में नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। 30 साल पहले के इतिहास पर अपनी नजर डालें तो इस तिगलरापेट एरिया में जयराज, कोटे नागा, कोटे नारायणा, अवंतिका राजेंद्र, पुष्पा, डेडली सोमा, ऐसे नामों के खून से सने हुए कदमों के निशान हम आज भी देख सकते हैं। इस तिगलरापेट एरिया में एक डेड एंड रास्ता है जिसे उस जमाने के असामाजिक तत्व पीड़े संधि नाम से बुलाते थे। इस कहानी में कलिंग नाम का एक सांप भी है जो अपने फन को उठाए है। उसी जगह से एक माँ की दुख भरी आवाज सुनाई देती है जिसके आंसू एक दर्द भरी कहानी बयां करते हैं। आज यहाँ उसी माँ की कहानी। हाँ, पीड़े संधि को आज के जमाने के लोग टाइगर गली के नाम से बुलाते हैं। टाइगर गली। हाय ब्रदर। पकड़ना इसे, देख क्या रहा है? सॉरी सर। इस राज्य के दक्षिण वाले लोगों को राज्य के उत्तर वालों का सीएम बनना पसंद नहीं है। अब करें तो क्या करें? अपनी जिद से आगे बढ़े हुए लोग हैं हम। पद के लालच में सिर पर बैठने के लिए मत कहो उन एमएलए लोगों को। पिछले 21 सालों से सीएम का पद मेरे बाप का है, गजेंद्र गड़ा वंश का है, हमारा है और हमारा ही होके रहेगा। वाह, क्या बात कही है बेटा। तुम उठोगे नहीं क्या? मुझे लगा तुम उठकर समझा रहे थे तो मैं भी उठ गया। बेटा, मैं जरा विधानसभा की तरफ होकर आऊं। अच्छा, नहीं जाना है तो मैं यहीं बैठ जाता हूं। जाइए। If I need anything, I'll call you। ये चलो बे, चल, देर हो रही है। डैड, मेरी परमिशन के बिना आप कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। अरे, इन उंगलियों को पैन कैसे पकड़ना, ही आता ही कहाँ है? सिर्फ मेरा ये शरीर है, अंगूठा तो तुम्हारा ही है, क्यों है ना बेटा? Have a good day। Good day। ये कैसा होता है मुझे पता ही नहीं, तुम किसका इंतजार करो, चलो ना। मालिक, मालिक, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है मालिक, अपने भाई से बोल के हॉस्पिटल में एक बेड दिलवा दीजिए मालिक, आपके नाम का रोज एक दिया चलाऊंगा। ब्रो, ब्रदर, इंसान को जीने के लिए कितने गुर्दे चाहिए? मालिक, यू मीन किडनी? यस। एक रहेगा तो भी चलेगा। तुम्हारे जीने का मतलब ही क्या है? अगर तुम्हें अपनी माँ की जान बचानी है तो एक किडनी बेचकर उन्हीं पैसों से अपनी माँ की जिंदगी बचा लो। सिक्योरिटी। मालिक, 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 मालि
सीएम के घर पे घुसेगा? छोड़ूंगा नहीं तुझे। लोगों की हिम्मत कैसे हुई सीएम के घर पे घुसेगी? आ गया ना तू, आ जाओ आ जाओ। इस जगह का इतिहास लिखने वाले मेरे बेटे के पंजे को तू भूल गया क्या? अरे कमीने, उसे जन्म देने वाली मैं हूँ उसकी माँ। अरे वहाँ क्या देख रहा है तू? अगर तेरी माँ ने तुझे पैदा किया है तो यहाँ आकर मुझसे लड़। बहुत सामान चलाती है बुढ़िया। थू थू थू, तुझे जब देखती हूँ तो तू इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पर धब्बा दिखता है। एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसकी कोख पर तू लात मार रहा है? ए, मारेगा? मारना। मैं यहाँ रहूंगी तो प्रॉब्लम, बाहर जाऊंगी तो प्रॉब्लम। तू तेरे सारे डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके सारी लाठियाँ टूटने तक भी मुझे मारेगा तो भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम छोड़ूंगा नहीं तुझे। ए, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। ये है हमेशा डर कर जीने वाले कमजोर लोगों का राज, न्याय मांगने से हड्डी तोड़ देते हैं, जुबान खोली तो जुबान काट देते हैं, सही काम करने वाले को ये तमाचा मारते हैं और गलत काम करने वालों की ये लोग पूजा करते हैं। अब इन लोगों के लिए मंदिर में रहने वाले मेरे भगवान को क्या बाहर निकल कर आना होगा? मेरे इस पवित्र धरती माता के लिए पता नहीं अब क्या करना होगा। न्याय न्याय नीति अनीति, रात दिन राम रावण राक्षस सब लोग यही हैं। क्यों रे, मक्खन चुराएगा? हाँ चल आज तुझे बताती हूँ। इसकी वजह से ये दुनिया भयानक नर्क में बदल जाएगी, ये पता होता तो इस कमीने को मैं गले में पैर डालकर मसल कर मार देती। डालो मिर्ची। उसे मिर्ची का धुआं देखकर 10-15 साल हो गए थे, लेकिन वो फिर से हमारे एरिया में कभी दिखाई नहीं दिया। मगर एक दिन। जयराज कहाँ है? हाँ सर। जयराज को लेके आओ कमिश्नर। सर एक बात, जयराज एक गुंडा है, एक करप्ट आदमी है, आप उसे इस तरह। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारी बीवी को बुलाने के लिए कह रहा हूँ जो इतना फील कर रहे हो। मेरी नजरों में तो खाकी पहने हुए तुम लोग करप्ट हो। उसे जल्द से जल्द मेरे सामने लेकर आओ। मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। मूव। तुम्हारे हिसाब से एक और देशभक्त शहीद हो गया कमिश्नर। बचपन में जिसने मिर्ची का धुआं खाया था उसी को वोट देकर हम लोगों ने सीएम की कुर्सी पर बिठाया। जिन लोगों ने इसे प्यार दिया उन्हीं को आज ये ठुकरा रहा है और जनता के दुश्मनों को ममता दिखा रहा है। लगता है किसी को तुमने ऊपर भेज दिया। एक नामर्द को। यू मीन अ पुलिस कॉप? धनराज अपने बाप की सीएम की कुर्सी बचाने के लिए जयराज जैसे खतरनाक गुंडों को पालता था। अनपढ़ गवार गुंडे लोगों को खून का तिलक लगाकर राजनीति का पाठ सिखाता था। जयराज, मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ एक मिनिस्टर के चमचे बनकर रहो। स्टेट की पॉलिटिक्स में तुम्हारी अपनी हैसियत बननी चाहिए। जयराज का नाम राजनीति में राजा की तरह लिया जाना चाहिए। अरे 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 अरे, अरे शकुनी, हमारे राज्य को पालने वाले को देखा भगवान? ये इसका भाई नागराज, वो कैसा है पता है? श्रीकांत राज गजेंद्रगढ़ा, धनराज गजेंद्रगढ़ा, नागराज गजेंद्रगढ़ा, इन सबको पालने वाला है गुंडा जयराज। इन सारे लोगों ने पूरे राज्य को लूटना शुरू कर दिया। मेरे दूध से भी ज्यादा मेरी काम धेनु का दूध जिसके नस नस में खून बनकर बह रहा है, वो मेरा बेटा, मेरा शेर, मेरा बच्चा विष्णु। वनमाली गदी सारंगी शंखी चक्र
श्री नारायण विष्णु वासुदेव अभिरक्षतु। नमस्ते सर। हे फैटमैन, व्हाट्स योर नेम? गोविंदा। नाम गोविंदा रख लेने से तू गोविंदा नहीं बन जाएगा। अगर गाड़ी ठीक से वॉश नहीं करेगा ना तो तुझे खाना पड़ेगा डंडा। कैच इट। थैंक यू सर। ज्यादा हिल मत, फट जाएगा, समझा? ए, देख के मारो। पानी आप पे गिरा क्या सर? ए, जोर से मारो। ए, पानी के फोर्स से गाड़ी हिल रही है और ये पत्थर के जैसे खड़े हैं। मेरी गाड़ी रेडी होगी क्या? गाड़ी रेडी होते ही फोन करके बताऊंगा। ए फैटमैन, डब्बा कहाँ है? पहले खाते हैं, बाद में काम करते हैं। हेलो माँ, खाना खाया? तबेला साफ कर रही हूँ, गाय को घास देकर फिर खा लूंगी। मेरा भाई कहाँ है बेटा? अरे बहना, तुम उसे इतना प्यार करती हो, इतना सारा खाना भेज दिया। ए, सब लोग मिल बांट कर खाना, अकेले मत खाना, भूखड़ कहीं का। माँ, पहले तुम जाकर खाना खा लो। हे भगवान। हाँ बेटा, खा रही हूँ। ठीक है, अब फोन रखूँ? पहले एक निवाला खाओ, उसके बाद फोन रखो। अरे बेटा, खा लिया। मैं फिर खाने के टाइम पे फोन करूँगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा। ए भांजे, ओनर की कार तो चली गई, आज मंगलवार है, कोई कार नहीं आने वाली। हाँ तो आधा घंटा गेम खेल के आएंगे। किसके साथ? उन तीन पंटर लोगों के साथ। ए,
गैरेज के सामने गिल्ली डंडा खेल रहा है, बकवास मत कर रहे। ताकत है तो इस त्रिकेश से लड़ना, किट्टी से लड़ना। गालिया। ए, हमारे साथ गेम खेलेगा क्या रे? कौन सा गेम? मर्दों वाली गेम, मर्दों वाली कबड्डी। ये क्या होता है मर्दों वाली कबड्डी? लड़कियों की कबड्डी अलग है, मर्दों की कबड्डी और भी अलग है। आधे घंटे का 5,000, खेलेगा क्या? हेलो डॉलिंग। क्या भांजे, क्या हो गया? वॉशर में पानी लगकर वॉशर ब्लास्ट हो गया। हेलो, मैं भी आऊं क्या? आओ ना, लेकिन हमारी मातोश्री हम दोनों को साथ में देख लेगी ना, तो स्लीपर स्टैंड पर जितनी भी हवाई चप्पल हैं उनसे हम दोनों को हार पहना देगी, वो तुम्हें चलेगा क्या? मामा, इसने तो फोन कट कर दिया। सुंदर लड़की को प्यार में तो शुरुआत में ट्विस्ट देगा तो वो क्या करेगी? अगर ऐसा है तो हमारा प्यार खत्म हो गया। इतना जल्दी प्यार खत्म हो जाएगा तो प्यार की कहानी वाली फिल्में इतनी हिट कैसे होती? चिंता मत कर, प्यार बुढ़ापे तक चलता रहेगा भांजे। रुक, मैं देखता हूँ। ओ, तेरी हार्ट बीट बढ़ गई क्या? दिखने में तो सुपर लग रहा है, लेकिन झोपड़पट्टी वाला लगता है। तू इससे कैसे कनेक्ट हो गई? आजकल की लड़कियों को प्यार करने के लिए कोई रीजन सीजन नहीं चाहिए। आई लाइक इट्स फ्लूट। व्हाट? उसके अंदर से एक ट्यून सुनाई देती है एंड आई लाइक दैट। बेबी को बेस पसंद है। सुन यार। बोल यार। अपने देश को हो क्या गया है? इतनी खूबसूरत लड़की इतने छोटे छोटे कपड़ों में आ रही है। गुड लक। थैंक यू। ये क्या भांजे, अपने सामान को हमेशा संभाल के ढक के रखा जाता है, लेकिन ये तो खुल्लम खुल्ला है। तुमको नहीं देखना तो आंखें बंद कर लो ना। वी। ये वी क्या है? वी मतलब विष्णु। डी मतलब डॉली क्या? हाँ। अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या मैच तुम अकेले ही खेलोगे? Are you want me to join? या। अगर तुम चाहो तो। तू समझा नहीं क्या? इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन इतनी स्पीड में बोलेगी तो कैसे समझ में आएगा? अब तुम बताओ कि क्या बोलना है? अपने साथ शामिल होना चाहती है। ओए होए 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 होए। सभी लोग भूखे हैं, भरता बना देंगे। दरवाजे पर आगे हम हैं और पीछे वो हैं। सुन यार। बोल यार। हमें धूप में मिट्टी में कबड्डी खेलना जरूरी है क्या? उसे बिस्तर पे डाल के। अरे सुन रे हीरो, 5,000 की जगह 10,000 देंगे। मैच में जीतोगे तब तुम्हें मानेंगे। उस सिल की सुंदर को चुपचाप इस तरफ लेके आ जाओ। अबे तेरी तो। हे कबड्डी 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 कबड्डी। भांजे ये कैसे किया तूने? वैसे ही किया। अब चलो, तुमको समझ में नहीं आएगा। Congratulations. मैं जीतूंगा ये पहले से पता था क्या? तुमने मेरा दिल जीत लिया तब भी समझ गई तुम पूरी दुनिया जीतोगे। अरे छोड़ो ना यार, हार गए तो क्या, अपने को तो कुछ और पता करना था ना कि इनमें से कौन स्ट्रांग है। और ये चीता बहुत स्ट्रांग है, इसके बारे में तो बताना ही पड़ेगा रे।
ये लो भांजे, तुम्हारे लिए ब्लैक, मेरे लिए व्हाइट, और सुंदर सुंदर लड़कियों के लिए कलर कलर जूस। क्या बात है मामा, शकीला टकीला के जमाने में दी सॉफ्ट ड्रिंक्स आर यक्स, नो वे, आई एम सॉरी। ये क्या भांजे, ये लड़की है या बवाल है, शकीला टकीला ऐसी बातें कर रही है। मॉडर्न मॉम्स। अच्छा मॉम्स मॉम्स कर रहा है मुझे। ये पिज्जा ये बर्गर तू हजम नहीं कर पाएगा भांजे। बेब्स। ब्रो बेब्स मॉम्स, यहाँ पर तो बैठे बैठे लग रहा है कि ताजमहल होटल में बैठा हूँ। सुनो मॉम्स, अब देखना मेरी लाइफ फुल स्पीड में भागने वाली है, तुम अब बैठे बैठे देखते रहो इस हनी हनी बोलने वाली को मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ। हनी। हाँ। Shall we go for a ride? अरे बाप रे, डाल दिया ना इसने बॉम्ब। अरे मामा ये क्या बोली, नहीं समझा। स्पीड इंग्लिश कैसे समझूं? गाड़ी की बैक सीट पे उसे बैठाएगा क्या, लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा क्या, ये पूछ रही है तेरी हनी। नो 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 नो, प्लीज डोंट से नो। मना मत कर प्लीज। जा। एची, ऐसे मत बोलो, इसी स्पीड में बोलोगे तो मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन अगर इसके साथ जाऊंगा तो मुझे समझाने वाला वहाँ पर कौन रहेगा। हाँ ने। हाँ। पहले तू निकल यहाँ से, नहीं तो यहीं शुरू हो जाएगी। ठंड है डॉली जी। ये गाड़ी, ये बॉडी, ये ग्लैमर, ये ड्राइविंग, सब कैसे कर लेती हो। मम्मी पापा का गिफ्ट। बहुत ही रोमांचक गिफ्ट है। थैंक यू मम्मी पापा। डॉली जी आप सिर्फ बाइक ही चलाती हो या फिर कार भी? यू नो व्हाई लेडी बर्ड, आई एम 24, आउच, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग हनी। हनी तो समझ में आया, बाकी सब समझ में नहीं आया। तुम उसके घर में दूध मत दो। ठीक है नहीं दूंगा। भैया भैया इसे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को भगवान, मुझे पहले से पता था तेरे साथ जाएगा तो ऐसे ही होगा। What happened यार? लिप लॉक। लिप लॉक? ए क्या क्या इसके साथ तूने? क्या विष्णु? क्या ए, विष्णु वी उठना। ए इसे नीचे उतारो। ए विष्णु उतारो। अरे नीचे आजा आजा आराम से। कर दिया क्या? खिलाड़ी है तू। आजा आजा आराम से। हाँ बिठाओ इसे। अरे बहना ये नहीं उठेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? एक्सक्यूज मी, आप इसे उठाना ही चाहती है ना? क्यों डमरू बजाएगी क्या? जरा आप मुड़ जाएंगी क्या? क्या कहा? तेरी तो मैं उस तरफ घूम जा, वो जो करना चाहती है उसे करने दो, तभी ठीक होगा। क्या हुआ? ये बताओ मैं कहाँ हूँ? यही है तू। I'm here. Bye. Hey, MG रोड की फटाकड़ी, आइंदा ये छोटे कपड़े पहनकर मेरे बेटे के पास आई ना तो देख लेना हाँ मैं क्या करती हूँ। ओए पंडरी बा, क्या बोली? Today was just lip lock, कल किडनैप, उसके बाद रेप, इसके इज्जत की गारंटी वारंटी दोनों ही नहीं है, that I swear. Bye V, I miss you tonight. ये क्या हुआ? ये नहीं हो सकता। क्यों माँ क्या हुआ? क्यों बेटा? हाँ। माँ के सामने कोई ऐसे बात करती है? नहीं, ये लड़की हमारे घर में कैसे रहेगी? माँ अगर तुम कहो तो मैं उस लड़की की तरफ देखूंगा भी नहीं। सर तो नीचे रहेगा, आँख उठा के मत देखना समझा? माँ मेरा करम। माँ वो बुलाती है तो दिल में मेरे कॉलिंग बेल बजती है, कुछ दिखाई नहीं देता, दोनों आंखों में ब्लर आ जाता है, बस उसी के पीछे जाता रहता हूँ। भैया तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये लड़की खिलाड़ी है। मैंने पहले ही कहा था। देख बेटा तू इसके पीछे मत जा। मैं नहीं जाऊंगा माँ। तू सिर्फ बोलता है फिर उसके पीछे जाएगा। बोला ना नहीं जाऊंगा, तुम यकीन क्यों नहीं करती माँ? मैं क्या करूँ बेटा, आजकल तू अलग ही बर्ताव कर रहा है। माँ सुन बेटा, बेटे का प्यार एक तरफ, कहीं हाथ ना छूट जाए डर एक तरफ। ए जादूगर, सबके साथ और ऐसे कितने खेल खेलेगा तू? मजाक है क्या? हर एक चतुर्दशी में तुझे नारियल चढ़ाती है वो। मेरी पोती के दिल में जो भी इच्छा है वो पूरी करने में तुझे तकलीफ होती है क्या? ए मेरी बात सुन, अगर मेरी पोती की शादी तूने जल्द से जल्द नहीं करवाई, तेरे पिता ने तो तेरे सिर पर हाथी का सिर लगाया था, मैं साधु कोकिला का सिर लाकर फिक्स कर दूंगी तेरे सिर पर। बात करने पर आग उगलने वाली मेरी पोती के लिए आइस लगाकर ठंडा करने वाला कोई लड़का दे दो।
क्या रे तू भी सीज हो गया क्या? सुबह सुबह बाथरूम जाने से पहले ही मुझे उठा के ले आए, पूरा दिन खराब कर दिया। अच्छा ये बता भाई किधर है? ए, भाई को टच करना उतना इजी है क्या? अरे इन पुलिस वालों का कोई काम तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के लाते हैं और उनकी पिटाई करते हैं ये लोग। किसी की हिम्मत है क्या टच करे? कौन है रे तू? लोगों की रक्षा करने वाली पुलिस। ए, क्या है रे तेरी दौलत? हाँ समझ जा, पहले तू कैसा था मुझे नहीं पता, आगे ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फेस टू फेस मिला ना तो डुएट सॉन्ग गाओगे क्या? चिंता का चिता चिता चिन, वो था पुराना स्टाइल, पर हमारा स्टाइल है गुम्मा का गुम्मा 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 का गुम्मा। हे मिस्टर, जानते नहीं कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ या औरत समझकर नफरत करते हो? सिर्फ खाकी वर्दी पहनने से ताकत नहीं आती, मैं एक औरत को सलाम नहीं करूँगा। जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ का सीनियर मैं ही हूँ, मुझसे अगर जबान लड़ाया तो देख लेना। कौन है ये बदतमीज? सीएम का आदमी है मैम, नरसाई गौड़ा नाम है, सर्कल इंस्पेक्टर। ये भी करप्ट है और इसका मालिक भी, अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए अपने पालतू को यहाँ छोड़ रखा है। प्यार हुआ इकरार हुआ है क्या हुआ भांजे? मुझे शर्म आ रही है मामा। महाभारत के चक्रव्यूह की तरह ये लोग मेरे पास क्यों आए हैं? हमारी गलती क्या है त्रिमूर्ति लोग? तुम्हारे भाई की कद काठी बिल्कुल हीरो जैसी है, फिजिक सिक्स पैक जिम बॉडी, इतना काफी है मेरे भाई के पास काम करने के लिए। ओहो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है? डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देने के लिए तेरा भाई दानवीर शूर कर्ण है या लड़की देने वाला ससुर है, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन है वो? सॉरी तुम्हारी अपॉइंटमेंट को मैं रिजेक्ट करता हूँ। फाइनल है क्या? फुल एंड फाइनल है। इस कमीने क्यों बहुत चर्बी चढ़ी है, उतारना बहुत जरूरी है भाई। सुन यार। बोल यार। ये सब क्या हो रहा है? इसके सेंटिमेंट पार्ट को टच करना है यार। सुन भाई, अंदर के सेंटिमेंट को टच कर दिया है इसने, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ये या तो आज अपने गैंग में शामिल होगा या क्राइम करने के बाद इसके नाम पे लगा देंगे, दोनों में से कोई एक पक्का होगा। अभी कुछ तो बोला, एक बार और बोल। लगता है इसको बहुत ज्यादा चर्बी है। तुम्हारे स्टेट के सभी लोग बिल्कुल जाहिल गवार और बेकार होते हैं। ए, उसे बुलाना जरा अपनी छमिया को, मैं भी तो देखूं। Thank you.
रुको बॉस, रुक जा। जन्म देने वाली मेरी माता, भाषा सिखाने वाली भारत माता, खाना देने वाली भूमि माता और पाप धोने वाली कावेरी माता, माँ है वो। हाँ बस, पूरी दुनिया की रक्षा करने वाली माताओं के बारे में कुछ बोलेगा तो गलती होगी सर, गलती होगी। नहीं छोड़ दीजिए सर, नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बस, पक्का नहीं होगी। एकदम खराब हो गई सर, चल रहे यार, चल। क्यों रे, क्या हुआ? चल यहाँ से निकल। गुस्से में हो? Cheer up, baby. चल निकल यहाँ से। ऐसे मौके पर कैसे करती है इसको खुद को नहीं पता। सिस्टर, नो एंटरटेनमेंट, गो गो गो। वो शाम को मिलेगा क्या? ये कम थी जो ये भी आ गई। खून की होली खेलने वालों को इतने से खून से डरना नहीं चाहिए, पसीने की जगह खून बहना चाहिए। क्या नाम है उसका? विष्णु। उस दूध वाली दुर्गा का बेटा है। क्यों रे, चोरी करेगा? इस जयराज को मिर्ची का धुआं दिया था उस औरत ने। सभी मर्दों को भूत के जैसा परेशान करती है वो औरत, और तू कह रहा है कि उसके बेटे को भी टक्कर देने वाला यहाँ कोई नहीं है? उसके बेटे विष्णु ने हमारी दुनिया में आने से मना कर दिया? अरे हमारी दुनिया में आने वाला ही असली मर्द होता है। जो यहाँ आने से मना करता है वो हमारी नजर में एक नाम मर्द होता है, और वैसे लोगों को बीच चौराहे पर ताली बजाकर भीख मांगनी चाहिए। हे, उस विष्णु और उसकी माँ दुर्गा से मैं बीच बाजार में ताली बजवाऊंगा, देख लेना। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और यहाँ तो सायरन भी बजने लगी। मेम साहब, क्या बात है, इतनी दूर आप अकेली आई? ड्यूटी हो गई, मैं अभी आई। एक मिनट मेम साहब, ये आपकी दादी ने मंगवाया है, यहाँ रख देती हूँ। इसमें दूध है और इसमें दही रखा है। कहाँ है आपका बेटा? क्या क्या कहा? ए, जरा इधर आ। मैं क्यों? मैडम जी नमस्ते। दिन रात तुम्हारी माँ मेहनत करके घर चलाती है। जी हाँ। घर के मर्द तुम हो, तुम क्या करते हो? मेम साहब, मेरा बेटा और मेरा भाई दोनों काम पर जाते हैं, देखे ना, पूरा पगार भी मेरे हाथ में ही देते हैं। एक मिनट। हाँ? तुम्हारा जयराज का क्या संबंध है? मैडम जी, पैसा मिलेगा सोचकर मैं उन लोगों के साथ बस खेलने गया था, लेकिन उसी बहाने वो लोग मुझे गैंग में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें सबक सिखा दिया। विष्णु, इस अच्छे बुरे के बीच में पुलिस वाले एक लाइफलाइन है। बुरे लोग अच्छे हो जाएं तो हमारे लिए खुशी की बात है, अगर वही अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करें तो उसकी अच्छाई भूलकर एक माँ से उसके बेटे को दूर करना पड़ेगा। उन लोगों को सबक सिखाकर तुमने अच्छा किया, पर अब सब भूल जाओ। माँ, वो माँ कहकर पुकारने वाला बच्चा अपनी माँ को सब कुछ बता देता है, मगर तुम दोनों ने, तुम फिर शुरू हो गई, तुम दोनों ने मिलकर। अरे नहीं, मैं था ना, इसलिए सिर्फ ये बात करके आया है ना? ए भैया, मैंने ममता और प्यार देखा है। आज के जमाने के बच्चे दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। सुन बेटा, 100 बार सोचकर कदम आगे बढ़ाओ, ऐसा लोग कहते हैं। बेटा, नीचे गिर गया तो उठा जा सकता है, मगर बुरे रास्ते पर गया तो मेरा ये दिल टूट जाएगा, टूट जाएगा बेटा। माँ, संभल के रहना बेटा, सावधानी से रहना, सावधानी से रहना। आ, आ जा तू, आ जा आज। कब से कह रही हूँ कि शादी कर ले, पर सुनती ही नहीं। अरे तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? जोर जोर से रो, और जोर जोर से, चली गई। मैं बहुत बुरी पोती हूँ दादी जी, आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो दादी। सुनो बेटी, माफ कर दो। शरीर नहीं है पर फिर भी उनकी आत्मा तो यही है ना, अभी तो बोल दो कि तुम शादी के लिए तैयार हो। ये डायलॉग कहने के लिए मेरी दादी ने कितने पैसे दिए आपको? भागो यहाँ से सब लोग। अरे 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 अरे,
तुझे कुछ पता भी है, बड़े बड़े लोग मेरा नाटक देखकर मेरे फैन हो गए थे। तू क्या चीज है? अपने पापा के सामने मैं बहुत गिड़गिड़ाई। पापा, पापा, मेरी शादी किसी पुलिस वाले से मत करवाइएगा पापा। तुम्हारी शादी पुलिस वाले से ही होगी। सुनिए, अपने होने वाले बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे क्या? लड़का हो या लड़की, पुलिस में ही जाना होगा। देखो बेटी, कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंजीनियर से ही शादी करना, किसी पुलिस वाले से नहीं। आप कुछ भी कहो, मैं पुलिस वाले से ही शादी करूंगी। अरे तू भी ना, पता नहीं ऊपर वाला कब इस खाकी वर्दी से इस घर को छुटकारा दिलाएगा। परेशान हो गई हूँ मैं। अच्छा एक बात बता, तू किसी पुलिस वाले से प्यार व्यार तो नहीं करती है ना? आहा, शादी की बात करते ही तेरा मुंह बंद हो जाता है। देख बेटी, ये तेरे लिए आखिरी वार्निंग है, इस बार तुझे शादी करनी ही होगी। दादी, मुझसे शादी करने वाली पुलिस वाला चाहिए ये बिल्कुल मत कहना। आप जिससे कहेंगी मैं उसी से शादी करूंगी। ए, बजाओ रे, बैंड बजाओ, टन 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 टन। दादी, अरे मुझे दो। हाय। हेलो, एक मिनट रुको सिस्टर, मैं फोन करवाता हूँ। क्या है तेरी प्रॉब्लम यार? उस दिन तुमने उसे डांटा, उसने एक बार भी कुछ उल्टा बोला क्या? उसने आज तक तुम्हें परेशान किया? वो तुझसे प्यार करती है। वो सिर्फ मेरी बीवी बनकर आएगी तो नहीं चलेगा। तो क्या पूरे गांव की बनेगी? अपने गंदे मुंह से कुछ भी मत बोलो, उसे माँ की और तुम्हारी बेटी बनकर रहना पड़ेगा। वो इतनी छोटी नहीं है। कहाँ हो तुम बताओ, मैं आता हूँ वहाँ पे। चलो रखता। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? अरे भांजे, हेलो, कुछ गर्म लग रहा है क्या? बहुत गर्मी है। जब से पैदा हुआ तब से यहीं पे रह रहा हूँ। बस 6 महीने इस गोबर की फैक्ट्री में काम कर लो, अच्छे से मेरी फैमिली में एडजस्ट हो जाओगी। हाँ तू ही समझी। अब ये ले। क्या है ये? तेरे लिए साड़ी, चूड़ियाँ, कुमकुम, हल्दी और फूल हैं। लेकिन क्यों? पहनने के लिए। फिर से उतारोगे ना तुम? जब देखो खोलना पहनना। इन बातों के सिवा तेरे घर वालों ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? सुनो, ये साड़ी पहनकर अच्छे से साफ सफाई करना और गायों को साफ सुथरा रखोगी ना तो ही तुम्हें इस घर में एंट्री तुम है। तुम जो कहोगे वो मैं फटाफट कर दूंगी, लेकिन मैं जो बोलूंगी उसे तुम धीरे धीरे करना। ए, चलो खड़ी हो जाओ अभी। मैं नहीं उठूंगी। अबे उठते ही नहीं तो। अब उतार तेरे ये छोटे कपड़े। मैं नहीं उतारूंगी। उतार जल्दी। थोड़ा जोर से सांस लीजिए, यहाँ दर्द है। यहाँ दर्द है। धीरे से दबाओ, धीरे से दबाओ। मेरा दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो कीजिए। क्रिएटिनिन, बिलीरुबिन। जस्ट आई वांट टू नो, इट्स सीरियस और नॉट? अगर जिएंगे तो ठीक है, और मर गए तो नेक्स्ट सीएम कौन होगा सोचना पड़ेगा। नथिंग सीरियस सर। टेक केयर ऑफ इट। ठीक है। बकरी का दूध वो पिएगा तो जल्दी रिकवर हो जाएगा जयराज। अरे क्या बकरी का दूध? बकरी का दूध लगा रखा है आजकल, तो बकरे के दूध की भी डिमांड बढ़ गई। सीएम के मुंह में दूध जाएगा तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर कह रहा है। बकरी 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 कहाँ से ला रहा है बे? सुन रे, यही वो सही मौका है बदला लेने का। उस दुर्गा की बकरी पर हाथ डालते हैं, मैटर हिट होगा, गारंटी है। सही बोला यार, उस दिन कबड्डी और गैरेज में हम लोगों पे हाथ उठाया था ना, आज उसका बदला लेके रहेंगे। 10 मिनट का टाइम दो बस, दूध देने वाली बकरी उठा के यहीं पे लेके आऊंगा। क्या यार, ये बछड़ा है या बकरी है? बकवास बंद कर बे। ए, उठाओ सब बकरियों को। ए, ए, चलो 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 ये चल 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 एक भी बचनी नहीं चाहिए। अरे तुम लोग मेरी बकरियों को, जानवरों को कहाँ ले जा रहे हो?
हमारे सीएम की तबीयत ठीक नहीं है। अरे उनको दिन में एक दो तीन नहीं चार बार दूध पिलाना जरूरी है बकरी का। तो तुम लोगों को उसके लिए दूसरा घर नहीं मिला, मेरा ही घर मिला तुमको। अरे ले चल, ले चल। छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे जानवर को। चल ले चल, चल मैम साहब, मैम साहब मेरी बकरियां लेकर जा रहे हैं और मुझे भी नहीं बता रहे। आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए ना, रोकिए ना इन्हें। क्या क्या इधर आ। मैं नहीं, तू इधर आ। ए, जब हम बुलाएं तो सीधा आने का और बोल के सीधा चले जाने का, नहीं तो हमसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये खाकी उतारनी पड़ेगी। तो घोड़ा गाड़ी निकाल। ए, आ जाओ सब लोग। जा और उसे लेकर आ। ए, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ए, बहुत हो गया तेरा। ए, एक पुलिस वाला होकर अपने डिपार्टमेंट का नाक क्यों काट रहा है रे? छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं चैराज हूँ। मैम साहब, मैम साहब, मेरी बात सुनो। हेलो, व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? दिमाग खराब हो गया क्या? वो गुनहगार है, यहाँ FIR लिख रहा हूँ। अगर जयराज ने आकर साइन किया तो ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरा नहीं। तुझे, तेरी तो मैं। माँ, माँ। विष्णु, विष्णु मेरा बेटा। तुम्हें अंदर किसने डाला? कौन है वो माँ? मैडम चाबी कहाँ है इसकी? चाबी कहाँ है? मेरी माँ को बाहर निकालना है, जल्दी चाबी दो इसकी। मैडम ये बहुत अच्छी है। मैडम जल्दी चाबी दो, मैं इसे खोलना चाहता हूँ। जल्दी चाबी दो, चाबी दो जल्दी। ए, कौन है रे तू? भाई इसने तुम्हारी माँ पर हाथ भी उठाया था। अबे तेरी तो मेरी माँ के लिए थी। पुलिस पर हाथ उठाएगा? विष्णु, विष्णु, विष्णु मेरी बात सुनो। मैडम मेरी माँ को ईमानदारी से बाहर निकालो। विष्णु लिसन टू मी, विष्णु बैठकर बात करेंगे। बैठकर बात करने के लिए शादी का घर नहीं है। एक पल भी लेट हुआ तो इसका श्राद्ध का खाना बनाना पड़ेगा। ए माँ, माँ नहीं बेटा, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। देखो मैं अपनी माँ को अंदर नहीं सकता, पहले बोलता हूँ। मैडम छोड़ो, नहीं उसे आज। नहीं बेटा, जल्दी से चाबी दे। मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। नहीं बेटा, विष्णु ये तो क्या कर रहा है बेटा, ऐसा मत कर। विष्णु, विष्णु ऐसा मत कर बेटा। अरे विष्णु, विष्णु विष्णु, मेरी माँ की गलती क्या है? अबे घूर क्या रहा है? आंखें निकाल दूंगा तेरी। प्लीज कमीना, चले जाओ यहाँ से। ओ मैडम, बिना बात किए मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने वाला। एए, इस दुनिया में अलग अलग धर्म के अलग अलग भगवान होते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ ही मेरी भगवान है। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ की आंखों में आंसू आए थे, आज वही आंसू मैं देख रहा हूँ। अगली बार अगर तेरी वजह से अपनी माँ की आंखों में आंसू देखूंगा तो इस पुलिस स्टेशन को जला दूंगा, समझा? मुझे मेरी माँ की कसम। माँ जी प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। बेटा चल बेटा। मैडम जी समझाओ इसको। विष्णु मैं समझाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से जल्दी। अरे मेरी नजरों के सामने इतना अच्छा लड़का है और मैं उसे छोड़कर अपनी पोती के लिए पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रही हूँ। सारी बकरियाँ कहाँ पर हैं? वो सीएम के घर पर हैं। सर ये क्या अन्याय है, क्या समझ के रखा है आपके लोगों ने? हेलो हेलो हेलो, आवाज नीची रखो। घोड़ा गलत कर रहा है सर। उस घोड़ा को मैं संभाल लूंगा। सर लेडी इंस्पेक्टर को तुम समझाओ। क्या समझाऊं सर, सारी गलती जयराज की है। जयराज पर कोई केस नहीं बननी चाहिए। दिस इज टू मच सर, बार 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 एक ही गलती किए जा रहा है। हे 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 हे, कमिश्नर मुझे तुम्हारी आवाज से एलर्जी हो रही है। कीप द फोन। ओ शिट, छोड़ो मुझे। ईमानदारी से एक ही बात कहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। सीएम को आम आदमी की समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। देख बेटा, माँ की ममता छोटे छोटे लोगों को भड़का देती है। सिंपैथी, सेंटीमेंट की कोई जगह नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो चीफ मिनिस्टर बनकर रहोगे सीएम, उधर जाओगे तो हो जाओगे कॉमन मैन। अरे मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तो मुंह में साइलेंसर लगा लो,
और उसे अपने घर जाने के लिए कहो। लेकिन वो कैसे करना है ब्रो? अरे क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। ए वॉचमैन छोड़ो ना उसे, क्या करते हो तुम लोग? पुलिस हो या वॉचमैन हो, इन्होंने हम पुलिस वालों को बना दिया है सर वॉचमैन। ऐसे लोगों के लिए इतनी ईमानदारी, ऐसों को तो सीधे बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए। कहाँ है जिसे आपने पाल के बड़ा किया है? बाहर निकालो उसे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है वो खुद बताएगा, पहले उसे बाहर बुलाओ। देखो बेटा, मेरी तबीयत खराब हो गई ये सुन के जयराज थोड़ा पागल हो गया था, तो उसने जो है आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप सारे गाँव वालों की तबीयत खराब करोगे? बाहर बुलाओ उसको। उसे माफ कर दो बेटा। सर ए छोड़ ना। देखो बेटा, तेरी माँ और मेरी माँ अरे ये पैसे रखो और उन्हें दवा खाने लेके जाओ। सर ये क्या है सर, खून? तबीयत ठीक नहीं है, मैंने तुम्हें बताया तो था। सर हमारी सारी बकरियों को छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊंगा सर। अरे ये पैसा उन बकरियों के लिए ही है, रख लो। सर उन्हें हमने बेचने के लिए नहीं पाला है, वो सारी बकरियां मेरी माँ की जान है। ए, लक्ष्मी छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए हमारी बकरियों को, छोड़ दीजिए प्लीज दीजिए। सर ये सारी बकरियां मेरी माँ की जान है सर, अगर 5 मिनट में इन सबको नहीं देखेगी ना तो मेरी माँ की जान चली जाएगी सर। आपके हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए सर। देखो बेटा, एक हफ्ते के लिए इन्हें बस यहीं छोड़ दो ना। नहीं नहीं सर, उसके बाद तुम खुद आके ले जाना। अरे सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है। नहीं नहीं, नहीं सर, मान जाओ, मान जाओ। नहीं सर। अरे नहीं सर, चाहो तो रोज आके देख लेना इन्हें। अरे सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तुम खुद आके ले जाना। अरे बस एक हफ्ते की तो बात कह रहा हूँ मैं। जयराज ये सब लोग छोटे लोग हैं, इन्हें कैसे ठीक करना है मैं जानता हूँ। इंतजार सही मौके का है, तुम भी ना जयराज, ये सब कीड़े मकोड़े हैं। कौन है ये? रामचंद्र मुथैया गौड़ा, अपोजिशन वाला है। आजकल वो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। बाहर के स्टेट से आकर तू हमें इतनी गर्मी दिखा रहा है? अरे मैं तो इसी स्टेट में पैदा हुआ, तो सोच मुझ में कितनी गर्मी होगी मुथैया। अब तू चुपचाप पीछे हट जा, सीएम के सामने खड़ा होगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पुलिस के एक ऑपरेशन में हमें मिला हुआ एक वीडियो क्लिप है ये। जयराज ने आपको जान से मारने की धमकी दी थी, ऐसी आपको गवाही देनी होगी। इस वीडियो में जो है वही सच है, उसने मुझे आकर धमकी दी, मगर कुछ भी हो जाए मैं कोर्ट में आकर गवाही नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। देखा ना, यही है हमारी व्यवस्था। ऐसे घटिया किस्म के लोग जनता के सेवक हैं। सर उसके ऊपर डकैती, ड्रग पेडलर, ऐसे छोटे मोटे हजारों केस हैं सर। ठीक है सर, अगर कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा तो मैं गवाही दूंगी कि उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। सर आप जिस कोर्ट में कहेंगे वहाँ जाकर मैं गवाही दूंगी कि उसने मेरा रेप करने की कोशिश की है सर। एक गुनहगार को सजा दिलाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ सर। अगर एक औरत होकर मुझे हाँ, अपना हाँ, मुझे भी आ रही है, मुझे भी आ रही है। ओके, बाय द सिस्टम फॉर द सिस्टम, अगर आपका ऐसा ही कहना है तो एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट पर साइन करके दीजिए सर। साइन करके दीजिए सर। जयराज बाहर आ जल्दी, बाहर आ मैंने कहा। तो तू है एसीपी? खुद को क्या समझता है बेटू? तेरा ये खूबसूरत चेहरा मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे तुम तो मेरे दिमाग में बैठ गई। चुपचाप मेरे साथ चल, तेरे अंदर जितनी भी चर्बी है सब निकाल कर तेरे हाथ में दे दूंगी। तेरा अरेस्ट वारंट है मेरे पास। ये रहा एंटीसिपेटरी बेल। अबे ये नॉन बेलेबल वारंट है, समझ में आया तुझे? ए जंगली घोड़ी, तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सोडे के बोतल में से झाग निकल रहा हो। जयराज मेरे पास जो रिवॉल्वर है वो सरकारी है, तेरे जैसे कई कमीनों को सबक सिखा चुकी है अब तक। अगर तूने भी ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो यहीं सबके सामने तुझे भून कर रख दूंगी, समझा? कमीनों की औलाद, डायलॉग सुनते ही चेहरा उतर गया तुम्हारा। अगर रिवॉल्वर से बुलेट चल जाएगी तो क्या होगा तुम्हारा? वारंट पर साइन किसने किया है? तेरे बाप ने। सीएम को पता चलेगा तो ठीक नहीं होगा।
उस जैसे देशद्रोही पॉलिटिशियन से तुझ जैसे कुत्ते डरते होंगे। कानून नहीं, अरेस्ट देम। तुम नहीं ले जा सकते। शहर के सबसे जाने माने बड़े गुंडे जयराज को आज गिरफ्तार कर दिया गया है। पीछे हटो। वाह, मैम साहब, वाह। हाय, सीएम का फोन है। हे जय, इंस्पेक्टर का दिमाग खराब हो गया। खराब हो गया है, और अगर तूने अभी फोन नहीं रखा तो मेरा भी खराब हो जाएगा। ये हट पीछे। Hey you, पीछे हटो। Thank you so much, ma'am. Hats off to you. Jai Hind. Hey, पीछे करो इन लोगों को। मिला क्या? नहीं ब्रो। चलो, सेकंड मैडम, ये लीजिए। यू क्या भाई से क्या? तेरी अकड़ कम नहीं हुई क्या? जो कुछ हुआ काफी नहीं था? इतने सालों तक जो काम करने की किसी मर्द की हिम्मत नहीं हुई, वो काम एक औरत ने कर दिखाया। अगर एक बार तुझे मारना शुरू कर दिया ना, तो तेरा सीएम भी आकर तुझे बचा नहीं पाएगा। अब चुपचाप यहाँ से उठ जा। hey, कौन है बे? मैं श्रीकांत राज गजेंद्रगढ़ा सीएम बोल रहा हूँ। डिपार्टमेंट के लिए नई हो क्या तुम? हाँ, पर खाकी से हमारा पुराना रिश्ता है। उतार दो, तुम और तुम्हारे साथ जितने भी खाकी वाले हैं। जिस रास्ते से जयराज को लेकर तुम लोग गए हो, उसी रास्ते से अपनी अपनी वर्दियाँ उतार कर जयराज को बैंड बाजे के साथ उसके घर पर छोड़ कर आओ। He'll have to pay for this. I can't spare him. कपड़े उतार दिए। अब सुन, फोन कट करके तू चाहे कमिश्नर को फोन कर ले या आईजी को फोन कर ले, तुझे एक ही ऑर्डर मिलेगा, रिलीज हिम। सर प्लीज कमिश्नर को फोन दीजिए। सर ये ले भाई, खाकी से तू ही बात कर। सीएम जैसा बोलते हैं वैसा करो। सर एक पुलिस होने के नाते सिर उठाकर सबके सामने इसे यहाँ लाई थी सर। वो सब भूल जाओ और उन लोगों को छोड़ दो। हम लोगों का काम हथकड़ी चोर के हाथों में पहनाना है, लेकिन इस सीएम की मेहरबानी से वो हथकड़ी हमारे हाथ में है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू मूव आल्सो। मारुति रिलीज हिम। मंगलसूत्र बांधता कोई और उतारता कोई और है, परंपरा है, लेकिन यहाँ बांधने वाला ही उतारेगा। आ आ आ आ आ, 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 आ। कपड़े नहीं उतारेगी क्या? मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब तेरे होठ मेरे होठों को छुएंगे। चल अब खाकी वर्दी उतार कर खड़ी हो जा हमारे सामने। और उसके बाद इस मर्द को ईमानदारी से घर पर छोड़ कर आ जाना। उतार कपड़े। ए, उतारती है या सीएम से मैं फिर से फोन करवाऊं। उतार 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 उतार। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यत्र इतस्तु न पूजन्ते सर्वास्तात्र फलाक्रिया। उतार कपड़े इसके। उतारना। चल रे डांगे उतार। अह
शैतान। कानून के मुंह पर कालिक पोत कर औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले इस राक्षस का पाप आप देख रहे हैं ना भगवान? आजकल दुनिया में यही हो रहा है भगवान, पर अब ये सब खत्म हो जाएगा। अब शुरू होगा युद्ध, महायुद्ध। चलो अरे छोड़ो मुझे नहीं छोड़ो नहीं 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 लेडी पुलिस, सच में तू मुझे बहुत पसंद आई। बहुत जल्द मैं तुझे अपने बेडरूम में ले आऊंगा। मैडम आपसे बात करनी है। मैडम जी, आपका जो भी दुख और दर्द है मैं समझ सकता हूं। 100 हाथियों से लड़ने की हिम्मत है आप में मैडम। मैडम ये सीएम धनराज जयराज इन सबको आप दुनिया से मिटा क्यों नहीं देती हैं? मैडम आपका कानून बीच में आता है? भीष्म जैसे पितामह को, कंस जैसे क्रूर को और उस रावण का संहार करते समय ये सब नहीं था क्या? उस समय भी सारी चीजें थी, उस वक्त भी राजधर्म और राजनीति थी ना। श्री कृष्ण ने कहा है अन्याय हुआ तो मारो, गांधी ने कहा है जो भी होता है शांत रहो। सबके लिए भगवान है, कभी कभी अपने खोदे हुए गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं। यही है अपना देश। मैडम जी एक आइडिया है मेरे पास, कानून को बस 10 मिनट हमारे हाथ में दे दो, बदलाव कैसे लाते हैं वो मैं दिखाऊंगा। हमारे देश की पुलिस का नाम सुनते ही उन कमीनों की अगर पैंट गीली नहीं हुई ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैडम खाकी पहनने से पहले आप एक औरत हो, उसके बाद सिपाही हो। योद्धाओं की आंखों में अंगार होनी चाहिए, ना कि डर से उनकी आंखों में आंसू होने चाहिए। अपने हिम्मत की समाधि मत बांधो। अब मुझे लगता है मेरी पोती की शादी करने का समय आ गया है। इस पैसे वाले की दौलत देख के हजारों लोग उसके पैरों में पड़े रहते हैं, वहीं एक पुलिस वाले की आंख में आंसू आए तो कोई उसके पास नहीं आएगा। तुम्हारी बात मेरे कानों तक तो आई। तुमने 10 मिनट के लिए कानून को अपने हाथ में लेना चाहा। फॉर 1 आवर, पूरा 1 घंटे का समय बेंगलुरु का लॉ एंड ऑर्डर सो जाएगा। कोई भी पुलिस नेटवर्क काम नहीं करेगा। जयराज को खत्म कर दो। विष्णु, बहुत लोगों को, मुझे, डिपार्टमेंट को, सब लोगों को तकलीफ हुई है। उसे मार दो, लेकिन वहां कोई अपना सबूत मत छोड़ देना। पुलिस होकर हमारा ऐसा करना गलत होगा सर। यदा यदा ही धर्म को बचाने के लिए कोई भी किसी का सामना कर सकता है। हम पुलिस वाले हैं, वो आदमी है, ये कुछ भी हिसाब से नहीं आता। बुराई को मारना है और वो मारेगा। ए देव। हाँ भाई। जल्दी से एक पान लेकर आ। ठीक है भाई। क्या? जा 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 जा। हाय। आजा।
उसने अपना गुलाम बना के रखा है ना। छोड़ो मुझे, रुक, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। अरे यार विष्णु, तू जल्दी से भाग जा, पुलिस तुझे ढूंढ रही है। ए, ये क्या बोल रहा है तू? नहीं सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, सब कल अगर किसी ने कोर्ट में खड़ा होकर बोल दिया कि ये सब करने के लिए हम लोगों ने बोला था, फिर ये बात सीएम और जयराज को पता चलेगी, फिर क्या होगा? हम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। नहीं सर प्लीज, अब आप भी किसी पॉलिटिशियन की तरह बात। प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी सिचुएशन बहुत खराब है। जयराज को मारते वक्त उसे पूरे शहर ने देखा है, हजारों गवाह होंगे, उसकी जिंदगी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको लगता है कि अभी सिक्योरिटी है? ए, हेलो मिस्टर, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? विधानसभा में भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता, तू कौन है? ए गौड़ा, कहाँ है वो? ए, वहाँ है, उठाओ उसे। ए, 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 चल, 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 विष्णु, सर, ये सब क्या हो रहा है सर? सर, ये गलत है सर। बस आधा घंटा कमिश्नर, फिर वापस छोड़ दूंगा। Damn it. सर, स्टॉप। किसी का खून किया है, ऐसे कैसे छोड़ दे? हट जा कमीने, हट, छोड़ो मैं। मैम साहब, वो झूठ कह रहा है माजी, जब तक मैं जिंदा हूँ विष्णु को कुछ नहीं हो सकता। आप मेरा यकीन कीजिए माजी, ट्रस्ट मी। ओके, व्हाट हैपनिंग कमिश्नर? Aren't you ashamed? सारे अपमान को भूल के पूरे डिपार्टमेंट का हेड सब कुछ छोड़ के खड़ा हूं मैम। हाउ सैड, आई रियली पिटी योर डिपार्टमेंट। बचाओ मैडम, बचाओ मुझे। जयराज और नागराज, इस केस में इन्वॉल्व्ड सारे अपराधियों को इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए। इट्स अ ज्यूडिशियरी ऑर्डर। प्रेसिडेंट इज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, गवर्नर इज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, कमिश्नर इज द हार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट एज वेल एज फादर ऑफ पब्लिक। डर अपनी जगह सही है कमिश्नर, लेकिन कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हार मौत का ही दूसरा नाम है, उसे इतनी आसानी से स्वीकार मत कीजिए। नेवा मैडम, नेवा। रुक जाइए। क्यों डॉक्टर साहब? इस केस को हम नहीं ले सकते। क्यों डॉक्टर जी? इसका ट्रीटमेंट मत करो, ऐसा सीएम का ऑर्डर है। साहब, हमने तो सुना है कि एक डॉक्टर भी भगवान के समान ही होता है, वो जान देता है तो जान ले भी सकता है। आप भी एक डॉक्टर ही है ना? काला कोट खाकी कपड़ा डरता ये जानता था। क्या कमिश्नर, कितने दिनों तक ये ड्रामा चलाना चाहते हो? बहुत दिनों तक चल चुका ये ड्रामा, अब होगा तेरा काम तमाम। बेटा, लगता है ये खाकी वाला पागल हो गया, क्या करे? पूरा सिस्टम एक होकर हमसे खेल रहे हो क्या? सर, जयराज आपके पास ही है ना? हाँ मैं यही हूँ, क्या उखाड़ लेगा तू? मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे वो सीएम हो या जयराज हो, अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
हमारे डिपार्टमेंट की गोलियां तुम्हारे खून की प्यासी हो चुकी हैं। गोली को ये पता नहीं होता कि कौन सीएम है और कौन जयराज है, वो सिर्फ लाश गिराएगी, इसकी गारंटी है। सीएम के घर के सामने इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी यहाँ पर लगाई गई है। सही मौका मिलते ही मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कानून का सपोर्ट आपके साथ है और मेरा भी। बेफिक्र रहिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। हमारे लिए भगवान समान है। वो अंदर है क्या? Look, you're not supposed to enter. वैसे आप हैं कौन? मैं कोई भी हूँ, आपको क्या? मुझे अंदर जाने दीजिए। तू यहाँ क्यों आई है? बहन जी आप जरा चुप रहिए, कौन है आप? उससे मेरी शादी होने वाली है। शादी से पहले मैं ही तेरी बारात निकालूंगी। बहन जी आप जरा शांत रहिए, मैं हूँ ना। मीरा कम दिस साइड। यस सर। मेरे साथ आओ। गो 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 गो। ओह माय गॉड हनी, व्हाट हैपेंड? बहुत दुख रहा है क्या? आई डोंट यू नो, आई एम सो सॉरी शोना। तुम मारपीट करने क्यों चले गए? तुम्हारा बहुत खून बहा क्या? नहीं, पानी बहा उसका, चल निकल यहाँ से। आई हमदर्दी जताने, मुंह दिखाए क्या? आगे जाकर पता नहीं क्या गुल खिलाएगी, नौटंकी कहीं की। हेलो हेलो, तुम कहाँ हो मालाश्री? इस नाम से बुलाने वाली आप कौन? तुम देश की रखवाली करती हो ना, ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? विष्णु के घर के पास सिक्योरिटी में हूँ। तुम विष्णु के घर के पास हो क्या? ठीक है, तुम वहीं पर रहना, मैं वहीं पर आती हूँ। आपको यहाँ क्या काम है? मुझे उन लोगों से कोई जरूरी काम है। मैंने तुमसे एक बार कहा ना कि तुम वहीं रुको, मैं पहुँचती हूँ, वहीं रुको। हेलो सुनिए तो दादी, ये समय बिल्कुल सही है, अभी जाकर उनकी शादी की बात करती हूँ। अब मेरी पोती उनके घर की बहू बनकर रहेगी, ये लड़का उसके लिए बिल्कुल सही है। ये क्या सुना मैंने? वो सच है सर। और वो लड़की कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। तो फिर तुम सब जाके डूब मरो। क्या तुम्हारा ये अपराध तुम्हें मंजूर है? तुमसे पूछ रही हूँ। जस साहिबा, हमारी एक इच्छा है, आप उसे पूरा करेंगी? अपनी कोट और बूट को निकाल कर उस टेबल पर रख कर आप कृपा करके एक बार हमारी जगह पर बैठ कर देखिए, तब आपको हमारी हालत के बारे में सही पता चलेगा। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? बोलिए ना जज साहिबा, क्या आप ऐसा करेंगी? वो मुर्गी बकरी या कोई जानवर नहीं, इनका बेटा था जिसे मार दिया गया। एक जीते जागते इंसान का सबके सामने गला काट दिया और खुलेआम घूम रहे हैं वो अपराधी। अपराधियों को पकड़ कर सजा देने के बजाय हम बेकसूर लोगों को यहाँ बिठा कर सवाल पे सवाल पूछा जा रहा है, क्या यही न्याय है? मेम साहब आप लिख लीजिए, उस नीच कमीने सीएम को मारने के लिए मैं ही गई थी और उसके बेटे नागराज का सर भी मैंने ही काटा है। अब जाकर मैं उस सीएम का सर भी काटूंगी, ये मैं उस भगवान की कसम खाकर कहती हूँ। मेम साहब मेरा बेटा कौन है ये दुनिया को नहीं पता, लेकिन भगवान जानता है कि मेरा एक बेटा और है, उसका नाम है शिवा। मैंने कोक से सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म नहीं दिया है, बल्कि इस कोक से एक शेर को भी मैंने जन्म दिया है। मेरा खानदान और वंश का नाम आगे बढ़ाने वाला मेरा प्यारा बच्चा विष्णु, वो तो मिट्टी में मिल गया मैम साहब, लेकिन मेरे शेर को मैंने भले मानुस को दान किया था, उस बेटे का नाम है शिवा। अब इस कहानी में वो जिंदा है मेम साहब। हाँ,
ये बात 27 साल पहले की है। उस दिन तुम दोनों रो रहे थे और तुम्हारे रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। वो शिवरात्रि का दिन था, शादी होके 5 साल हो गए थे, मगर मेरे घर में बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनाई दी। बच्चों का नाम क्या है? विष्णु और शिवा। ओहो, जुड़वा बच्चे हैं दोनों। ये भगवान का आशीर्वाद है। मेरी बीवी जब पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी, तब तुम्हारी माँ उसके सामने देवी बनकर आई। मैंने दिन रात भगवान से प्रार्थना करके एक ही बच्चा मांगा था, मगर उन्होंने जुड़वा बच्चे दिए। मैं सोचती थी उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज आपको देखकर मुझे मेरा जवाब मिल गया। बहन जी, गांव में मेरा घर संभालने के लिए मुझे एक ही बच्चा काफी है। एक आप ले लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरा बच्चा आपको गोद दे रही हूँ। कोई माँ ममता की किस हद तक गुजर सकती है, ये तुम्हारी माँ ने साबित किया। बच्चा नहीं है ये देखकर उसने तुम्हें हमारी गोद में डाल दिया। भूल जाओ भैया, वो अब से उनका बच्चा है। और उस रात तुम मेरे बेटे बन गए। काम काज ऐसे ही चलता रहा और जिंदगी आज यहाँ तक पहुँच गई है बेटा। आज तुम्हारी माँ की ये हालत देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। वहाँ बहुत अन्याय हुआ है शिवा। यही है तुम्हारी माँ दुर्गा माँ, और ये तुम्हारा भाई विष्णु, एंड ही इज द ब्लैक शीप, श्रीकांत राज गजेंद्र कड़ा। शिवा, हाँ? शिवा, माँ, तू आ गया शिवा। अभी भी मुझे उसी नाम से पुकार रही है। माँ और पिताजी? माँ नहीं रही, पिताजी ठीक हैं, और तुम? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरे प्यारे विष्णु को मुर्गी बकरे की तरह काट दिया गया। खादी पहनने वाले राजनेता और इन पुलिस वालों ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला। समाज में होने वाला धोखा, औरतों के साथ होने वाला अन्याय, और मेरे इस दर्द को इंसाफ मिलना चाहिए शिवा, न्याय मिलना चाहिए। सच्चाई और इंसाफ आज शैतानों के हाथ में फंस कर दम तोड़ चुका है। आज कानून की देवी सिर्फ एक पुतला बनकर रह गई है। दिखा दे शिवा, तू समाज को ठोक ठोक कर उन्हें जगा दे शिवा। पापियों से हमारी सारी धरती डरने लगी है, आसमान भी कांपने लगा है। इन इंसानों की धरती पर हैवान लोग, शैतान लोग भगवान के बनाए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें छोड़ना मत बेटा, छोड़ना मत। क्या बात है? दुर्गा का बेटा आया है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, ये कौन है? बचना डके तो लो मैं आ गया। क्यों देख के सब डर गए क्या? व्हाट्स एम? तुम विष्णु? नो, शिवा उसका ब्रदर। हिंदी फिल्म में जुड़वा, राम और श्याम, गोरा और काला, और जब एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है, तब वो पागलों की तरह सामने वाले को मारता रहता है। वही बात हम दोनों के बारे में है, दोनों के भी गुण मिलते जुलते हैं। सेम टू सेम हमारी कहानी है। हमारी कहानी? नो, मेरी कहानी है।
कौन सी कहानी? इतनी जल्दी भूल गए? वेरी नाइस, जब टाइम आएगा तभी याद दिलाऊंगा और उसका जवाब भी दूंगा। एनीवेज, अपने राज्य के सीएम साहब बहुत बीमार हो गए थे तो अभी वो ठीक है क्या? Hey, what do you mean? इस राज्य के सीएम एक हैं या दो हैं? मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब ये दे रहे हैं। एनीवेज, सीएम आप ही हो ना? वैसे इस राज्य की जनता तो यही मानती है। लोग ऐसे ही है सर, घोड़े को गधा कहते हैं और गधे को कुत्ता कहते हैं। बेटा मैं घोड़ा हूँ, गधा हूँ या कुत्ता हूँ? मैं क्या हूँ जरा तू ही बता दे। इनसे पूछ लो, यही बताएंगे। इस राज्य की जनता ने इन्हें वोट दिया है, यही मुख्यमंत्री है। तुम्हारा नेचर देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम जनता के वोट से नहीं बल्कि खुद ही वोट डाल डाल कर जीते हुए हो। ऐसा करने के लिए भी चर्बी होनी चाहिए। खाने के लिए चर्बी अच्छी लगती है लेकिन सीएम के पद के लिए नहीं। लोक इसके अंदर कुछ ज्यादा ही है, इसलिए बी केयरफुल। आज के जमाने में ज्यादा गर्मी। एक मौत की कीमत हमारे लिए इस कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं है, चाहे वो इंसान बड़ा हो या फिर बच्चा हो, इसमें लिखी रकम उसके लिए काफी है। सीएम रिलीफ फंड में पैसे नहीं है लेकिन ये 5 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। मेरे दादा एक मिसाल देते थे, ससुराल में जाओ तो साले का राज चलता है। एक जमाने में इसकी कीमत थी लेकिन तुम्हारे आने के बाद रेप हुआ तो चेक, लूटपाट हुई तो चेक, और कोई एक्सीडेंट होकर मर गया तो उसके लिए भी चेक। चाहे कुछ भी हो जाए बस चेक ही चेक। इसे फाड़ फाड़ कर अब ये कचरा लगने लग गया है। देश की गवर्नमेंट की नजरों में भी इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें समझाने आया था, गलती हुई तो माफ कर देना। गलत को सही ठहराने वाले कमीनों के लिए मेरे अंदर कमीनापन भर भर के है। सुनिए सुनिए, ये भेड़ बकरियाँ मुझे जान से भी प्यारी है, इन्हें मुझसे दूर मत कीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। इन बकरियों में मेरी माँ की जान बसी है, इन्हें ले जाने में थोड़ी सी भी देर हो गई ना तो मेरी माँ मर जाएगी, मेरी माँ मर जाएगी, इन्हें छोड़ दो सर। जब तक सीएम साहब ठीक नहीं होते आप नहीं ले जा सकते। वो जब तक जिंदा है तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा, आज के बाद उसकी सेहत और भी खराब होगी। ए वॉचमैन, जाने देना उसे, अरे रास्ता देना। मैं तुम्हें यहाँ इंसानियत का सबक सिखाने आया था लेकिन तुमने मेरी इंसानियत को चेक के तराजू में तोल दिया। आज बच गए हो, कल मैं फिर आऊंगा। अब स्टेप बाय स्टेप खेल शुरू होगा, सीन बाय सीन चेक अब मैं लिखूंगा। शनि ने अब तुमको घेर लिया है, ये शिवा तुम्हारी समाधि बनाकर रहेगा। अब चलूं? कॉम्पनसेशन मुख्यमंत्री जी, मैं ब्लैक शीप। बचना डके तो लो मैं आ गया। मेरी बात ध्यान से सुन जय, ये आदमी बहुत चालाक है। ये है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ। अरे अरे क्या टेंशन है भाई, आराम से खड़े रहो। सोने चांदी की डगरिया तू। अरे कूल कूल, काहे को फुदक रहा है, चुपचाप खड़ा रहना। वो मुझे ललकार कर गया है, उसे मैं देख लूंगा। ओए क्या हालचाल है, सिट डाउन सिट डाउन, बैठे रहो आराम से। ओके हाँ, कूल 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 कूल। शर्ट ठीक करा था, डर काई को गए। ये क्या खा रहे हो जरा दिखाओ। अच्छा यहाँ जयराज कौन है बताओगे? ए, भाई के सामने आकर जयराज कौन है पूछ रहा है? अच्छा ए छी, ऐसा चालू चीज खाते हो क्या, बेकार है यार। सर यहाँ पर भाई कौन है? सर यहाँ भाई कौन है? ए, जयराज भाई यहाँ के भाई हैं। ये क्या आ, 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 ये मैं जहाँ रहता था ना वहाँ पर एक जयराज रहता था, काला सा मोटा सा तगड़ा मूंछ वाला पहलवान। तुमको देखकर लगता है कि तुमको एड्स के पेशेंट हो। मैं एड्स पेशेंट ही हूँ, तेरी माँ को जेल भिजवाने वाला मैं ही हूँ। सर इज्जत से उसको वहाँ से छुड़वा दो सर, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। आपने लाल बत्ती का नाम तो सुना ही होगा ना, मैं वहाँ जगह दिलाऊंगा। ये बात मेरे यहाँ कही होती ना तो तुम्हारा सर शरीर से अलग कर देता। साल के 365 दिन
मैं तेरे जैसे भौंकने वालों की लाशें अपने हाथों से गिराते रहता हूँ। ओहो, ऐसी बात है, तो फिर देखते हैं सर। भगवान हर किसी को एक मौका देता ही है ना सर। जितने भी आवारा लोग हैं तुम्हारी हिफाजत के लिए बस भर भर के तुम्हारे घर पे भेज देता हूँ सर। खैर छोड़ो ना सर, फिक्र की बात नहीं है, वैसे भी तुम तो एड्स पेशेंट हो। चलता हूँ सर। हाँ वन सेकंड सर, सुना था कि ये गुंडे लोग बम्बई में या दुबई में बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, वो भी शान से। लेकिन तुम्हारा क्या है सर, ये धूल से भरे हुए तबेले में एकदम छुप कर बैठे हो। सर तुम्हें सिर्फ एड्स ही नहीं बहुत सारी बीमारियां जकड़ लेंगी, यहाँ फिर कोई डॉक्टर भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर रोग। ओके बाय सर। एक और बात सर, कहना भूल गया था, वो क्या है ना, डकैतों की तरह तुमने अपने बाल दाढ़ी मूंछ ये बढ़ा कर रखी है ना, उसमें तुम बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो। कौन सा सोप इस्तेमाल करते हो सर? लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा सिगरेट के राख से धोते हो? खैर जो भी हो, मैं जब दोबारा आऊंगा ना तो ये सब खत्म हो जाएगा, एड्स है ना। चलता हूँ, बाय सर। तुम्हारे भाई को एड्स है, संभाल के रखना। भाई आपको सच में एड्स हो गया है क्या? दिल में अच्छी सोच है और काम में नियत है, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। यहाँ न्याय और कानून की कोई कीमत नहीं है, यह है आपका वन लाइन स्टेटमेंट, सही है ना? अगर ऐसा सोच के मैंने इस्तीफा दे दिया तो समाज मुझे डरपोक के नाम से पुकारेगा। भगवान बड़ा है सर, यहाँ समाज और सरकार दोनों मरने की स्टेज पर हैं सर। सर एक छोटी सी गलती हमें बहुत महंगी पड़ सकती है, और कानून वालों को ये बात शोभा नहीं देती। एक अपाहिज और अंधे माँ बाप के बेटे को बीच सड़क पर छोड़ने जैसी बात हो गई है हमारे स्टेट की। सर सीएम और उसकी गैंग ने गुनाह किया है, अरेस्ट करो सर। मैं चलता हूँ। थैंक यू। आई डाउट समथिंग इज फिशी सर। पता नहीं ये उस घर का बेटा है भी या नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, He is dynamite. क्यों बे, हंस क्यों रहा है? आंधी तूफान तुम जैसे कचड़े को उड़ा के ले जाएगा, यही मैं सोच रहा था, लेकिन ऊपर वाला फिलहाल ये नहीं चाहता। क्या पुलिस स्टेशन जाना है क्या? तू सीएम से लेकर सारे वीआईपी को धमकी दे रहा है? हाँ तो चल अंदर। ओए वो मेरी जगह है। तेरी जगह वो है। ए, कौन है रे तू? क्यों बे, तुझे भड़काने वाली वीआईपी ने बताया नहीं क्या कि मैं कौन हूँ? क्यों रे, पुलिस को रॉब दिखाता है। रॉब का दूसरा नाम है ये शिवा। ये देश, यहाँ की जनता सुरक्षित है तो हमारी वजह से। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, वो राष्ट्रगीत अगर पवित्र है तो हम लोगों की वजह से। खाकी वाले को हिस्ट्री सिखाएगा? कौन सी खाकी बे, कौन है पुलिस, कौन है यहाँ का पुलिस? तू है, तू है? आईडी दिखा, आईडी दिखा तेरा। कैसा आईडी? तो पुलिस ऑफिसर है, ये सबूत देने के लिए एक आईडी होता है, कमीने। ए, कौन है रे तू? मैं पुलिस वाला हूँ। तूने खाकी पहनी है फिर भी तू पुलिस नहीं है। मैंने खाकी नहीं पहनी है फिर भी मैं पुलिस हूँ, शिवा यानी मैं। सरकार का काम मैं भगवान का काम समझ कर करूंगा। मेरे हाथों से कभी कानून का उल्लंघन ना हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने अंतरात्मा की शपथ लेता हूं। मिस्टर शिवा, नथिंग टू वरी, डिपार्टमेंट आपके साथ है, वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। गुड लक माय बॉय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। व्हाट मिस्टर नरसई गौड़ा, केएसपीएस, स्टेट पुलिस सर्विस या फिर स्टेट पिंप सर्विस है? hey, मुझसे जबान मत चला, आज तेरी मर्दानगी निकल जाएगी, ऐसी तेरी हालत करूंगा मैं।
शिवा शिवा शिवा। आप पर ये आरोप है कि आपने पुलिस वालों को मारा और पुलिस स्टेशन में ताला लगाने का भी इल्जाम है और साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री को। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग जस्टिस, आई एम रियली सॉरी। इस तरह इल्जाम की लिस्ट पढ़ती रहेंगी तो शाम हो जाएगी, लेकिन इल्जाम खत्म नहीं होंगे। यहाँ के लॉयर्स का इल्जामों का तैयार किया हुआ बहुत बड़ा पुलिंदा है। आईपीसी के सभी सेक्शन के आधार पर मुझे सजा मिले ऐसी फाइल इन लोगों ने तैयार की है। सही है ना सीएम सर? क्या आपकी तरफ से कोई लॉयर है? आई थिंक आई एम कैपेबल इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन जस्टिस, लेकिन उससे पहले आई नीड अ फेवर। क्या है? इस कोर्ट में आए हुए कांता राज जी और उनका बेटा धनराज और उन बेटों से बढ़कर जयराज, इन तीनों को अभी इसी वक्त अरेस्ट करने का ऑर्डर पास होना चाहिए। आई ऑब्जेक्ट दिस योर ऑनर। इनके ऑब्जेक्शन को साइड में रखिए, आप ऑर्डर पास कीजिए। व्हाट डू यू मीन? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसका मकसद यहाँ सारे लोगों को पता है। अभी आपको इस अदालत में सच्चाई जाननी है तो अभी इसी वक्त इन तीनों को अरेस्ट करना होगा। कोर्ट से बाहर नहीं जाने देना। इस केस को कहां से शुरू करूं ये पता नहीं था मैडम, लेकिन आज मुझे इस कटघरे में खड़े करके इन लोगों ने अपनी समाधि खुद ही बना ली है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के। योर ऑनर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अदालत में खड़े होकर तुम अदालत को ही चैलेंज कर रहे हो? ऐसे ही समझ लो। कमिश्नर। Yes, Your Honor. Hey, Commissioner, उसे चुपचाप बैठने को बोलो। Order, order, order. Hey, क्या भौंक रही है तू? You? क्या भौंक रही है? जय, calm back. down. Back जा। कोर्ट को, जस्टिस को, जुडिशरी को क्या बच्चे का खेल समझा है? Freeze. बोलो क्या बात है? मैंने पुलिस वालों पर हाथ उठाया ऐसा कह रहे हैं। कमिश्नर से मेरा पहला सवाल है, वो पुलिस वाले कौन है? नरसाई गौड़ा योर ऑनर। वो नरसाई गौड़ा नहीं है, नरसिंह यादव है योर ऑनर। विथ योर परमिशन प्लीज। यस, वही नरसिंह यादव, महाराष्ट्र से तड़ीपार हुआ एक गुंडा। जयराज की वजह से सीएम से परिचय हुआ और उसी जयराज ने उसका नरसाई गौड़ा के नाम से नामकरण किया। फिर इस जयराज के धंधे में कोई छोटी सी प्रॉब्लम ना आए इसलिए फेक पुलिस आईडी बनाने के अलावा एक नया पुलिस स्टेशन भी बना दिया। यह है पुलिस रिकॉर्ड, 1963 से एस्टैब्लिश हुआ बीसीपी बैंगलोर सिटी पुलिस। उस जमाने से लेकर अब तक केएसआरपी कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस, डीएआर डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस, सीएआर सिटी आर्म पुलिस, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, केआरएमपी कर्नाटक आर्म रिजर्व माउंटेड पुलिस, सीएसपी कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस, जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, वहां से लेकर यहां तक सबकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ डेथ इसमें आपके सामने लैपटॉप में है। नाउ आंसर टू मी माय फ्रेंड्स, नरसिंह यादव अलियास नरसिंह गौड़ा कौन से बैच में पास होकर आया है, जरा आप बताने का कष्ट करेंगे कमिश्नर सर? नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, कोई भी जिए या कोई भी मरे, इनकम, बस इनकम चाहिए, यही ह्यूमन मेंटालिटी है। अगर ऐसा समाज रहेगा तो नरसाई गौड़ा जैसे लोग नकली पुलिस भी बनेंगे और नकली पुलिस स्टेशन भी बनेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है, अनजाने में की हुई गलती कर्म नहीं है। एक बार नरसाई गौड़ा के पुलिस स्टेशन जाकर आएंगे, चलेंगी? श्योर। क्या है ये? हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये मेरे आंखों के सामने दिख रहा है। लेकिन वो एक फेक पुलिस वाला है, उसके लिए तुम्हें और सबूत जुटाने होंगे। लेकिन ये जगह डुप्लीकेट पुलिस स्टेशन है, इसका तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? अच्छा सवाल पूछा है मैडम, प्लीज कम। मैडम प्लीज,
पुलिस स्टेशन का काम खत्म होने के बाद अपने सीएम इन सारी चीजों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखते आ रहे हैं। ड्यूप्लीकेट स्टैम्प पेपर। ओह माय गॉड। इतने में ही इतना शौक हो गई मैडम, और बहुत कुछ है। मैडम आपको पता है या नहीं पता, धनराज गजेंद्र गड़ा एक बड़ा ड्रग एडिक्ट है। अपने सीएम की छत्र छाया में चलने वाले दूसरे ये गलत कारनामे, ड्रग माफिया। चलिए मैडम। डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं, गरीबों को मारकर उनकी आंखें लीवर किडनी निकालकर ऑर्गन माफिया चल रहा है मैडम, बिकॉज ऑफ नागराज गजेंद्र गड़ा। काला धन रखकर अपने देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने वाले उन लोगों में से एक अपना सीएम भी है मैडम। ये देखिए, ये है उसके काले कारनामे। आइए मैडम। कहीं के इससे भी बड़ी गालियां। नो, क्यों मैडम ऐसे क्यों देख रही हैं? आप स्टेशन से अंदर गई थीं, लेकिन जयराज के अड्डे से बाहर आई हैं। यही है हमारा सिस्टम। राजनीति को, नेताओं को, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बनाइए। उनका तो दिमाग चलता है नहीं, लेकिन ऐसी चीजें बराबर सूझती हैं। नरसिंह यादव कहाँ है? कमिश्नर, आई नीड टू स्पीक विथ हिम। इस राज्य का मुख्यमंत्री और उसका बेटा और ये गुंडा जयराज, इन तीनों ने मिलकर तुम्हारा नाम बदलने में मदद की। इसके अलावा राज्य में जो भी घटनाएं हुई है इसके जिम्मेदार तुम हो। क्या ये अपराध तुम कबूल करते हो? कबूल करता हूँ। महाराष्ट्र से तड़ी पार होकर तुम यहाँ आए हो, क्या तुम वहाँ के माफिया से जुड़े हुए हो? जी। टिगराई पेट में रहने वाली उस माता को पहचानते हो ना तुम? हाँ सर। और उनके बेटे विष्णु के मौत के बारे में तुम क्या जानते हो? हानी, मैंने कहा जाओ। हानी। भाई, भाई, मैंने अनजाने में गलती कर दी भाई। देखो ना, मुझे उसकी सजा भी मिल गई है भाई। भाई, अब जो बोलोगे मैं करूँगा। तुम जाओ ना, चली जाओ यहाँ से। भाई, अब देखो ना आपने मुझे कैसे मारा है, कितनी चोट लगी है मुझे। इसे ठीक होने में एक महीना तो लगेगा भाई। भाई, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ गलती। भाई, मेरी माँ ने कोई गलती नहीं की है। अगर मैं मर गया तो मेरी माँ भी मर जाएगी। भाई, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ भाई। मैं और मेरी माँ यहाँ से हम कहीं दूर चले जाएंगे भाई, बहुत दूर चले जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, भाई भाई प्लीज भाई, भाई प्लीज भाई, मैं पैर पड़ता हूँ, माफ कर दो भाई। भाई, गरम खून है भाई, अनजाने में मुझसे गलती हो गई भाई, लेकिन इसके आगे ख्याल रखूंगा। भाई, उस लड़की को कुछ मत करना, उसको कुछ पता नहीं है भाई, कुछ मत करना उसे। भाई, डर लग रहा है। बुद्धू है बुद्धू। जिस कमीने को हम ताकत से नहीं जीत पाते,
उसे हम डस लेते हैं इस सुनहरी नागिन से। तुम्हारी नस में अंग अंग में तुम्हारे दिल में इस वक्त झटका लगाना बेटा, इसलिए ऐसे लोगों को हम खत्म कर देते हैं। अरे पागल, तुझे तेरी माँ ने 100 बार समझाया कि मेरे पीछे मत आ, मेरा विश्वास मत कर। मेरा रंग रूप देख कर, माँ की बातें ना सुनकर तू यहाँ तक चला आया। बेटा विष्णु, बेटा तू उसके पीछे नहीं जाएगा ना? नहीं जाऊंगा मां। तू सिर्फ कहता है। वो लड़की कहाँ है? थैंक यू शिवा। मैडम, इट वॉज माई ड्यूटी मैडम। ड्यूटी तो सब लोग करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जो हमें पता नहीं था वो तुम्हें कैसे पता चला? मैडम, इस गांव में मेरी माँ आंसू बहा रही है, न्याय की देवी भी आंसू बहा रही है, कानून के सिपाही की आंखों में भी आंसू हैं, हमारी भारत माता की आंखों में आंसू हैं, पूरी दुनिया की औरतों की आंखों में आंसू हैं, तो हमारा समाज के प्रति कुछ तो फर्ज बनता है। इस संसार के लिए मैंने छोटी सी जिम्मेदारी निभाई है। फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड मैडम, वी कैन टेक हिम टू द कोर्ट। हेलो, तुम कमीनों को मैं आप जस्टिस बनकर कानून को अपने हाथों में ले रही हैं, ये गलत है मैडम। आखिर बात क्या है? मेरी पवित्र मातृभूमि इस गुनाहों के दलदल में फंस चुकी है। लैंड ऑफ डिवाइन लॉ, उसका भी इन कमीनों ने मजाक बना दिया। मैडम, व्हाट हैपेंड? हमें जरा खुल के बताइए। फेक करेंसी, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक पुलिस स्टेशन, इसके अलावा इन लोगों ने फेक कोर्ट भी बना दिया। डुप्लीकेट कोर्ट? कोर्ट में रहने वाले 3 रक्षकों को इन लोगों ने 4 से मार दिया। अगर मेरी न्याय देवी इतनी ही पवित्र है तो उस डुप्लीकेट कोर्ट में खड़ी होकर इस केस का फाइनल जजमेंट दे सकती है क्या? ऐसा चैलेंज कर रहा है वो मुझे। इतनी ताकत है क्या? कहाँ है तेरा वो डुप्लीकेट हाई कोर्ट, बता कमीने। वेलकम। इस डुप्लीकेट कोर्ट में आज सबका फैसला होगा। जैसा इस कमीने पुलिस वाले ने कहा था, हम पॉलिटिशियन कुछ लोगों के चेहरे पर टेंशन देखकर उसका फायदा उठाते हैं। यह तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है, यह धनराज गजेंद्र का कोर्ट है। हाउ डेयर यू गेट आउट फ्रॉम दिस चेयर इमीडिएटली। तुम जब से मैंने अपनी आंखें खोली है आज तक मेरे बाप ने भी मुझसे इस तरीके से कभी बात नहीं की है। याद रखो मैडम, इस वक्त यहाँ का राजा मैं हूँ, ना कि तुम्हारे सामने बैठा ये बेवकूफ। मुझे बाहर जाने के लिए कह रही हो? सर, मरने के बाद भी मेरी लाश अपनी रौब दिखाएगी। यहाँ पर मैं किसी को भी बहस करने का मौका नहीं देता, सीधा फैसला सुनाता हूँ, और ऐसा करने से मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। ए, मुझे एक राक्षसी समझो, अपनी सोच और अपने काम से पूरा राक्षस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा साम्राज्य किसी की चिता पर बन रहा है या फिर किसी की कब्र पर। गरीबों का खून मेरे लिए ठीक वैसा ही है जैसे बाजार में बिकता हुआ मिनरल वाटर। इस देश का एक भी आदमी मेरे रहते सुकून से नहीं रहने पाएगा। मेरी हुकूमत का सिर्फ एक ही वसूल है, इंडिया इज फॉर सेल। इस देश की नीलामी होके रहेगी। यहाँ के हर मर्द को मैं लाचार और निकम्मा बना के रहूंगा, और इस देश की हर एक औरत को मैं कोठे पर बिठा दूंगा। सभी पावरफुल आदमियों को पावर पहुंचाने वाला मेन स्विच हूँ मैं, और तू नया नया खाकी पहन के मुझे धमकी देने आया है।
तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? एयर डुप्लीकेट पुलिस, इधर आना, इधर आ। आज तू खाकी वर्दी में ऐसा लग रहा है जैसे तू कोई कचरा ढोने वाला हो। इस खाकी वर्दी की पावर दिखा के तू श्रीराम बनने की कोशिश कर रहा है, पर तुझे बचाने वाला सिर्फ एक ही आदमी है और वो है मेरा बेटा। आज इसने मेरे खून को हद से ज्यादा खोला दिया है। इसकी पहनी हुई खाकी वर्दी से मेरी खादी जलकर राख हो जाए उससे पहले ही इसका बलिदान देना होगा मुझे। इस शहर में जिसने भी ऊंची आवाज की उसे अब तक मौत के घाट हमने ही उतारा है। क्या सोचा था तूने? यहाँ आएगा और हम लोगों को गिरफ्तार कर लेगा? जगह हमारी है और हमारा ही राज चलेगा यहाँ। तू चाहे कुछ भी कर ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महल से लेके झोपड़े तक हमारा राज है। रिजर्वेशन किसी का भी हो, सफर हम ही करते हैं। अब तू हमें सबक सिखाएगा? राम राज्य लाने की बात कर रहे हो, पर हम कैसे होने देंगे? हमारे खानदान की कोई स्टैचू नहीं, ना ही कोई रोड है, ना ही किसी गली या गार्डन का नाम है। एक स्टैचू लगाने के लिए कहीं भी जगह नहीं छोड़ी। जा देखो, राजकुमार रोड, विष्णु शक्ति रोड, साई रोड। हमारे लिए हर एक भगवान हमारे राइट में रहता है और एक हमारे लेफ्ट में रहता है। हम जिसकी चाहे उसकी पूजा करें, जिसको चाहे उसे देवता बना दे, जो नहीं बनाया तो खून की नदियां बहा देंगे। जरा दिमाग से सोचो बेटा, इस राज्य में रहना है तो हमारे साथ पंगा नहीं। जिसका भी सर हमारे सामने उठता है उसका सर हम गर्दन से अलग कर देते हैं। हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिल पाता। रामायण महाभारत भगवत गीता रहने से या पढ़ने से इस देश का उद्धार नहीं हो जाता। तेरा पति मर गया है, विधवा है तू। कुमकुम लगाकर तू खुद को सुहागन समझती है क्या? लुक फॉर मी, एवरी सेकेंड इज अ मिलियन। ये व्हाइट कॉलर्स यू नो, सो इन्फ्लुएंशियल। अगर मैं इस वक्त चाहूं तो इस न्याय की देवी के साथ तुझे भी बाजार में बेच दूं। बेटा ये बात तो कुछ कान खोलकर सुन ले कमीने। तू जैसे राजनेता के भौंकने से इस देश का संविधान नहीं बदल सकता। तू जैसे कमीने को जन्म देने वाले माँ बाप को बीच रास्ते में ही हलाल कर देना चाहिए ताकि इस देश पे कोई आज ना आ सके। How dare you? मुंह बंद रख। तू यहाँ से पैर बाहर रखेगा तभी तो न्याय देवता के साथ मुझे बेचेगा। कान खोल के सुन ले, अगर तू असली मर्द है तो यहाँ से बाहर निकल के दिखा। लॉक द डोर। औरत के माथे पे लगने वाला सिंदूर सौभाग्य की निशानी है, लेकिन तुम जैसे मर्द हमारा नसीब नहीं बदल सकते। एक माँ एक बच्चे को 9 महीने तक पेट में पालती है, उसे जन्म देते वक्त इतने दर्द सहती हो और तुम अपने आप को मर्द कहते हो। शिवा, इस कमीने की एक एक शब्द से मेरी माँ से लेकर इस धरती माँ तक संस्कृति और सभ्यता सब कुछ अपवित्र हो चुका है। मेरे देश का कानून भी अपवित्र हो चुका है और इस कानून को पवित्र रखने के लिए इन्हें छोड़ना मत बेटा। अपने मरे हुए भाई की आत्मा की शांति के लिए और तेरी माँ की कोख में लगी हुई इस आग को बुझाने के लिए इसका खून बहा दे, खून बहा दे, खून बहा दे बेटा। भाई, भाई, डैड, आपको कुछ नहीं होगा। डैड, 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 आग हाली डैड। इसे कहते हैं डर। आज डर की वजह से तेरे मुंह से पुलिस का नाम कैसे निकल गया? डर रहना चाहिए, पुलिस नाम का डर रहना चाहिए। खाकी वर्दी वालों को तूने अपने घर का झाड़ू लगाने वाला समझ के रखा है क्या? इंसानियत के दुश्मन और धरती पर बोझ बने हुए ऐसे सीएम की राज्य को जरूरत नहीं है। कमीने! औरत की आंचल में लिपटा है राष्ट्र का फ्लैग। पूरे हिंदुस्तान में अगर नहीं लिपटा है तो वो है मर्द का सर, समझ गया? तुम जैसे देशद्रोहियों को तो सीधे गोली से उड़ा देना चाहिए। इंडिया, इंडिया, इंडिया। औरत के माथे का सिंदूर तुम लोगों के लिए खून का सैलाब है, क्योंकि सिंदूर की कीमत तुम लोग नहीं जानते। आज इनका खून बहेगा। अपना कलेजा अपने हाथ में ले लो। डर गया क्या? डर गया क्या? इंडिया को तुम लोग अपना नहीं समझते? हम इंडियंस कमजोर लगते हैं क्या? तू चाहे कितनों की भी जान ले ले, एक बात तू कान खोल के सुन ले। मेरे भाई की ताकत के आगे कोई नहीं जीत पाएगा। कौन सी ताकत? कौन सा भाई? तेरा सब कुछ फेक है, सब कुछ। तेरी माँ कौन है पता नहीं, तेरा बाप कौन है पता नहीं, तेरे खानदान का कुछ पता नहीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से आज हमारा देश बदनाम है। बच्चों के दूध से लेकर स्कूल में मिलने वाले सर्टिफिकेट तक, जनता की नौकरी, बाजार, इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर, कामकाज, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, डॉक्यूमेंट्स, करेंसी, मेडिसिन, सब कुछ। तू और तेरे मरे हुए बाप का खून, सब कुछ फेक, 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 सब कुछ डुप्लीकेट। तू जैसे खच्चर को घोड़े के रेस में उतारा जाए तो मैं असली घोड़ा बनकर हर बाजी जीतूंगा और तुझे पनिशमेंट देकर रहूंगा। आज तुझे पता चलेगा कि कानून होता क्या है। तू इस धरती का सबसे गंदा कीड़ा है जो इस धरती को खोखला कर रहा है।
लेकिन आज तेरे खून से यह धरती पवित्र हो जाएगी। जिसे माँ के नाम का अर्थ ही मालूम नहीं, उसके मुंह से माँ का नाम सुनकर संस्कृति, कला, साहित्य, जनता, जीवन सबका रेप करने का आरोप लगना चाहिए। कमिश्नर, सर्कस के रिंग मास्टर के इशारे पे नाचने वाले जानवर नहीं है हम, पुलिस है हम। कहाँ कैसे इंसाफ और हिफाजत करनी चाहिए, कहाँ डंडे की आवाज और कहाँ बूट की आवाज। सरकार की दी हुई गन हमेशा हमारे पास रहती है। राजनीति सबके लिए मेडिसिन नहीं है, कानून माँ है, राजनीति बाप है। मैं सिर्फ अपनी माँ की बात सुनता हूँ। माँ जब कहती है तभी मैं अपने बाप को पहचानता हूँ। जिस औरत को धरती पर पूजा जाता है, उसी औरत को तुम लोग हवस का शिकार बनाते हो। उसके सिंदूर की कोई कीमत नहीं है तुम जैसे लोगों को। तुमको बचपन से पालने पोसने वाली भी औरत ही है, लेकिन तुम लोग शराब के नशे में उसी की इज्जत लूटते हो। तुम जैसे लोगों को तो मार ही डालना चाहिए। तुम्हारे बचपन से तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारी गॉडफादर जो होती है वो तुम्हारी माँ होती है। तुम्हारे लिए अपने जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाती है। बेचारी खुद भूखी रहती है लेकिन तुम्हारा पेट भरती है। और उसी औरत की इज्जत नहीं। We don't need politics and politicians. My ambition, एक IAS मुख्यमंत्री बन जाए और एक IPS गृह मंत्री बन जाए। कानून नाम की मेरी माँ के आगे राजनीति मेरा बाप होना चाहिए। ए, रुक जा! रंगों से रंगे इस देश में खाकी का रंग सर्वश्रेष्ठ है। जानता है क्यों? क्योंकि यह धरती माँ के मिट्टी का रंग है। तो जैसे राजनेताओं की वजह से मेरा देश कभी झुक नहीं सकता, because India is great। ये देश किसी एक की जागीर नहीं है, हम सबका है। और तुझ जैसे शैतान को नरक में भेजने वाले यमराज भी हम ही हैं। माँ, तुम कानून की रखवाली हो। भले ही तुम्हारी आंखों पर पट्टी है, लेकिन हम तुम्हारी संतान हैं। अंधेरे में रोशनी लाएंगे और अंधेरे को दूर करेंगे।